सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जो भी चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये है जोधपुर ट्रिप का पार्ट 2। तो अभी हमारी पूरी ट्रिप अनप्लैंड है, लाइक क्या करना है कैसे करना है कोई डिसाइड नहीं है। जैसा मन होगा वैसा करेंगे, जोधपुर आगे घूमेंगे, अगली सिटी। तो आज जोधपुर घूमते हैं, आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कराता हूँ मैं, जैसे एक लेक हुई या और भी कुछ जो होगा। ठीक है, तो मेरे साथ दो भाई है, ये छोटा वाला यही रहता है जोधपुर में, तो इसको सब पता है कि क्या क्या हाँ घूमने की चीज़ें वगैरह सब है। चलते हैं तो घूमने। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना। चलो तो गाइज, हम निकल चुके हैं, ये सोसाइटी क्रॉस कर रहे हैं अभी, और हमारा गोल का ड्राइवर है ही साथ में। अब चलते घूमने के लिए, तो मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो भाई साहब पहाड़ों भी चढ़ रहे हैं अभी, कैलाना झील थोड़ी देर में आने वाली है। अपन आ चुके हैं अब हिस्ट्री में, बहुत पीछे राजा महाराजा के जमाने में, अपनी स्कूटी के साथ। तो गाइस, ये रही वो झील जिसकी हम बात कर रहे थे, पहुंच गए अपनी लोकेशन में फाइनली। सी कैलाना झील, ये पूरी कैलाना झील है, वहां तक फैली हुई है एंड तक, जो ये लिख भी रहा है कैलाना घाट जोधपुर। तो ये झील के अंदर मगरमच्छ भी है, बोटिंग भी होती है। ठीक है, कोई टूरिस्ट एरिया है, यहाँ सारे पार्क है, ये बैठने की जगह है, वहाँ आगे पार्किंग है, एक छोटा फव्वारा लगा हुआ है, कैमल राइडिंग वगैरह और एक्टिविटीज़ उधर है। और ये पूरा एरिया लाइक टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप बारिश में आ रहे हो या शाम को आ रहे हो। अभी तो हम दिन में आ रहे हैं तो इतना रौनक नहीं दिख रही होगी आपको, पर बहुत अच्छा एरिया है अगर आपको भी फ्यूचर में प्लान करो घूमने का, तो आप आ सकते हो। तो अभी आगे चलते हैं पार्क साइड, आपको और दिखाता हूँ अच्छे से। आ जा, नाम क्या है इसका? इसका याक है। याक कश्मीर से आया है। ये लेवी रहता है, इसकी सेटिंग भाग गई। सेटिंग भाग गई इसकी। अरे लो सब्जी बनाओ, सेटिंग को लाना चाहिए आपको, पकड़ के यार। अब अकेला फील कर रहा है ना? मैं तोड़ दे, ये अकेला आया। अच्छा, कश्मीर से आ गया जोधपुर। लड़की भाग गई इसकी। अच्छा अच्छा, बेवफा था, आ गया। बेवफा थी वो है बेचारा। सो सैड ना, आ जा। तो भाई साहब, ये याक की बंदी भाग चुकी थी, तो ये कश्मीर से भाग के जोधपुर आ गया है। पहले ही गोरा था, यहाँ काढ़ा हो गया है। लेक के जस्ट बिहाइंड पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, बैठने के लिए बहुत अच्छी सिटिंग है, झूले भी लग रहे बच्चों को खेलने के लिए। तो ये कैलाना झील है पूरी, वो बोटिंग एरिया है, यहाँ से आप बोट ले सकते हो उतर के। ठीक है, कितना चार्ज उसका? 150। तो 150 रुपीज़ बोट का चार्ज है, एक राउंड कटा के लगेगी पूरे इसके अंदर। और ये जिप लाइन है, जिप लाइन यहाँ से वहाँ तक, उस कोने तक जिप लाइन है, तो आप इसमें भी आराम से आप राइड कर सकते हो, और बोट लगी हुई है। और ये है इसका तट, यहाँ बैठने की लोकेशन, आराम से शाम को बैठो, व्यू लो पूरी झील का, वहाँ से पानी निकल रहा है, देखो दिख रहा होगा तो आपको। ये बहुत लंबी है और यहाँ बोटें लग रही है, किसी को बैठना हो तब चलते हैं नदी या झील के पास। तो ये है अपनी झील, ध्यान रखो भाई मगरमच्छ ना खा जाए। और ये है पानी, साफ पानी है। तो
तो गाइस बैठ चुके हैं लेक के पास पर, व्यू एंजॉय कर लेते हैं। ये अपना छोटा भाई फोटो खींच रहा है। और अभी मौसम ठीक हुआ है, धूप नहीं है अब इतनी। तो फिर आपने देखा झील, अब आगे चलते हैं अगली लोकेशन पे। ठीक है, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं कायलाना लेक के पीछे वाली साइड पे। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है और ये पूरा फॉरेस्ट है। वी आर इन रेगिस्तान, जोधपुर का रेगिस्तान। तो अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ऐसी झोपड़ी जो बनी हुई है ना, ये ऐसे हर जगह बनी हुई है उधर। वाह वाह वाह। तो ये सब बैठने की वो है स्थान, तो यहाँ टूरिस्ट लोग आके बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो अभी हम रिलैक्स करेंगे इधर बैठ के थोड़ा सा। तो गोलू जी बता रहे हैं ये लवर पॉइंट है, या लड़का लड़की मिलने आते हैं प्राइवेसी के साथ। ये भी आया था किसी दिन मिलने के बैठने। तो जी किस बताइए लोकेशन फिर? नहीं मैं देखता रहता हूँ, देखता नहीं आता रहता है, आता रहता। बता दे कौन है, देखने लगा होता आता लगा है। मेरा बदनाम किया जा रहा है गाइस। तो राजस्थान में पानी कमी नहीं है, और जिसने बोला राजस्थान में पानी कमी, इसी पानी में डॉट भाग मारूंगा साले को। ठीक है, और ये बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। तो अभी हमने कायलाना झील घूम ली, अब जा रहे हैं हम सीधे मेहरानगढ़ की तरफ। मेहरानगढ़ जोधपुर का किला है, लाइक पौराणिक राजा महाराजा वाला किला है। जयपुर में आमेर है, तो लाइक यहाँ जोधपुर में मेहरानगढ़ है। तो आपको उसको विजिट कराता हूँ और दिखाता हूँ, वो भी प्लेस बहुत अच्छी है घूमने के लिए। तो सीधा भाई चलते हैं। तो अभी जाते हुए हैं मेहरानगढ़ की तरफ, प्रस्थान करा जाए सैनिक। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मेहरानगढ़। तो ये मेहरानगढ़ है सामने, और यहाँ से ना पूरी जोधपुर सिटी दिखती है, लाइक ब्लू सिटी। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो बचपन में मैं यहाँ जोधपुर में पढ़ाई करता था, एक साल था मैं यहाँ। तो मैं बचपन में आया था, जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में होऊंगा, तब एक बार विजिट करा था, तो मैं भूल भाल गया हूँ। तो अब चलते वापस विजिट करते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल तो हम मेहरानगढ़ के आउटर एरिया में घूम रहे हैं। अभी चलते हैं इसके पास में, आपको पास से दिखाता हूँ। चारों तरफ वॉल लगी हुई है कवर करने के लिए। ऑफकोर्स पुराने टाइम में राजा महाराजा हमला करते थे, अटैक करते थे। तो ये मेहरानगढ़ की इतनी ऊँची ऊँची दीवारें हैं, ये जब भी कोई दूसरा राजा हमला करता था आपको बचने के लिए। और ये आप छेद देख रहे हो दीवारों के अंदर, यहाँ से गोलियाँ वोलियाँ तीर बाण वगैरह चलाने के लिए। ये कैमरा हाँ, और यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। पुराने जमाने कोई आया तो पकड़ ले उसको। तो अभी मेहरानगढ़ के ऊपर आ चुके हैं। ये मेहरानगढ़ है और ये पूरा जोधपुर सिटी है। ये जितने का घर देख रहे हो ब्लू ब्लू ब्लू, इसको बोलते हैं ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर। ठीक है, और आपको दूर दिख रहा होगा वो एक होटल है, उसका नाम है उमेद पैलेस। बहुत लग्जरी होटल है, लाइक राजस्थान की टॉप लिस्टेड होटल में आता है। और आप देखो कितना बड़ा जोधपुर है। तो ये हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ की एंट्री के अंदर। ये पूरा मेहरानगढ़ है, यहाँ से एंट्री है, अंदर चलते हैं। और ये मेहरानगढ़ का गेट है मेन एंट्रेंस, तो चलते हैं अंदर। तो ये मेहरानगढ़ का छोटा सा मिनी से बनाया गया है, कि लाइक पूरा मेहरानगढ़ ऐसे दिखता है। ये इतना बड़ा है, ये महल का एरिया है पूरा। और ऊपर ये हर जगह तोहफे लगी हुई है। अभी हमने मेहरानगढ़ एक्सप्लोर कर लिया है अंदर से। ठीक है, आपको वीडियो में दिखा होगा पूरा, तो बताना कैसा था सब कुछ। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अब आगे चलते घूमने के लिए। आगे हमारे गाइड बताएंगे हमें खाली जा रहे हैं। बताओ जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कितना दूर है यहाँ से? तो मेहरानगढ़ है उससे 1 किलोमीटर दूर जसवंत थड़ा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, वो वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो जसवंत थड़ा है। ज़्यादा दूर नहीं है मेहरानगढ़, वहाँ से जा सकते हैं। अभी स्कूटी निकालेंगे यहाँ से, चलते उधर। तो उसको आपको वो विजिट कराता हूँ मैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे जोधपुर में ये वाटर कूलर हर जगह लगे हुए हैं। अगर पानी की आपको प्यास लग रही हो तो आप आराम से भर सकते हो, बिल्कुल चिल्ड पानी निकलता है।
आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है बोतलों के लिए, एक बोतल साथ में रखो और ऐसे आप वाटर कूलर हर जगह मिल जाएंगे, हर टूरिस्ट प्लेस पे। तो गाइस अपन अपनी लोकेशन जाते हुए ये तो अभी जा रहे हैं जसवंत थड़ा की तरफ। ये जसवंत थड़ा है, आगे टिकट लेंगे यहाँ से, और ये लेक है आगे छोटी सी। ये गरीब लोगों से टिकट नहीं जा रहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो 500 2000 का सब ले लेंगे, चलो सही तुम। तो अपन टिकट ले लेते अभी काउंटर से जाके। तो अभी टिकट कटवा लिया हमने, अब चलते हैं अंदर। ये इसके एंट्रेंस है, इसी कितना प्यारा व्यू है। तो ये छोटी सी लेक है और फिर वो पैलेस है, चलो पैलेस घूम के आते। पहले आप कभी आ रहे हो जोधपुर वोधपुर घूमने तो थोड़ा बारिश होने पे ही आना, क्योंकि गर्मी वाले ख़राब हो जाती है, पर फिर ही मज़ा है अगर घूम रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ। तो ऊपर आ चुके हैं, ये छोटा सा एरिया बना रखा है पार्क टाइप सा, और मेन ये रहा म्यूजियम जसवंत थरा, और ये छोटे छोटे वो बन रखा है क्या बोलते हैं झोपड़ियाँ, झोपड़ी बोले क्या बोले, पत्थरों की झोपड़ियाँ। ये रहे हमारे गाइड, गाइड बता जाओ क्या क्या इसमें म्यूजियम है। म्यूजियम कैसे हो सकता है, म्यूजियम होता है। बहुत ब्यूटीफुल एरिया है ये, लाइक टूरिस्ट यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, और भी लाइक बहुत प्यारा व्यू है पूरा मेहरानगढ़, ये है पूरा जोधपुर, और ये है अपना जसवंत थरा। अब ये अंदर चलते हैं, आपको म्यूजियम दिखाता हूँ अंदर से, ठीक है। तो ये आ गए अपन अंदर, अब चलते हैं। और ये पूरी वॉल्स है ऑफकोर्स ही बात है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि किला उधर है। इसकी एंट्री किधर से, जोधपुर, जोधपुर क्या गोलू, चलो इसकी एंट्री किधर से, एंट्री है या फ्री बार बार से देखने का है, गाइड गाइड अंदर एंट्री भी है, बाहर से देख के चल जाओ भाई। पैसे किस लिए दिए, अंदर देखने के दिए है बाहर से देखने के दिए है, एरी एंट्री इसकी बड़ी मुश्किल के बाद एंट्री मिली हमें। तो एंट्री लेते हैं, वॉट इज स्लिप प्लीज रिमूव योर शूज हियर, कृपया अपने जूते उतार दीजिए। तो अंदर चलते हैं, ये कोई मंदिर है क्या, ये मंदिर है क्या, चलो देखते हैं ना। तो ये इसकी एंट्रेंस है, ओ माय गॉड, यहाँ तो बस लाइक जो भी राजा थे उनके सेनापति थे उनकी तस्वीर है हर जगह, हर वॉल पर उनकी तस्वीर है। ये शायद तो राजा जसवंत सिंह है ना, तो ये शायद तो पूजा घर टाइप होगा है ना। पहले ज़माने में पंखे वगैरह तो थे नहीं, बहुत तगड़ा वेंटिलेशन सिस्टम कर रखा है कि भाई अंदर ठंडा रहे, और सच बताओ तो बाहर लाइक जितनी गर्मी है उससे बहुत कम गर्मी मेरे को अंदर लग रही है, क्योंकि वेंटिलेशन इतना अच्छा कर रखा है। अब कौन सी बात है, ये छोटी सी खिड़की बाहर देखने के लिए, ये छोटी जगह पर इतना ही था। अब बाहर चलता हूँ, अब बाहर और दिखाता हूँ आपको, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यही था और क्या चाहिए तेरे को भाई, म्यूजियम यार, म्यूजियम म्यूजियम होता है, कोई बात नहीं इतना ही ठीक है। तो अभी हमने इसको विजिट कर लिया, अब चलते हैं आगे। अब तो हमने 3-4 प्लेसेस विजिट कर ली जोधपुर की, और बहुत थक चुके हैं, सुबह के बाहर निकले हैं और अब शाम होने को आई है, तब कुछ खाते चल के, क्योंकि बहुत ही भूख लग रही है मेरे को। तो चलो फिर